हलवा खाने में सभी को बहुत पसंद आता है और व्रत के दिन खाने में हलवा हो तो सारे दिन एनर्जी बनी रहती है। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल राजगिरा हलवा जो बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्थी भी है। इसे बनाना बहुत आसान है, कुछ टिप्स का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत ही टेस्टी और झटपट हलवा बन जाता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है घर में सभी को यह हलवा बहुत पसंद आएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, देसी फूड और ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजगिरा हलवा बनाने के लिए हम लेंगे करीब आधा कटोरी राजगिरे का आटा और साथ ही में आधी कटोरी के करीब घी। तो आप कोई भी एक कटोरी यहाँ पे फिक्स कर लीजिए ताकि सारा नाप हम उसी कटोरी से लेंगे और हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने लिए है थोड़े बादाम, थोड़े काजू और थोड़े पिस्ता। साथ ही में हमें चाहिए 2 कप दूध। तो दूध हमें गर्म चाहिए, तो दूध को गर्म होने के लिए गैस पर हम रख देंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम हलवे की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम। बादाम को हम पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हम सीक्वेंस में ऐड करेंगे। बादाम को हल्का सा कलर आते ही हम इसमें काजू ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बट उसका स्वाद इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो काजू बादाम को जब हल्का सा कलर आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश को रोस्ट होने में सबसे कम टाइम लगता है। लगभग आधे से 1 मिनट में सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। दूध भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब सेम कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे राजगिरे का आटा और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमें रखना है लो टू मीडियम। आटे को हमें लो फ्लेम पे ही सेकना है, तभी हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। घी की क्वांटिटी हमें कुछ इस तरह से रखनी है कि आटा हमारा घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपको लगता है कि घी कम है तो इस स्टेज पे आप और ऐड कर सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट इसे भूनते हुए हो चुके हैं और देखिए जैसे जैसे आटा सिकेगा वैसे इसकी कंसिस्टेंसी पतली होगी। जब राजगिरा आटा सेकते हुए लगभग आपको 5 से 6 मिनट हो जाए तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो थोड़ी टाइट है तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए। देखिए आटे का कलर चेंज हो चुका है, हल्का सुनहरा कलर इसे आ चुका है। बस इसी स्टेज तक हमें सेकना होता है और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। सारा आटा हमने लो फ्लेम पे सेका है, तभी हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे दूध। जब हम आटे में दूध डालते हैं तो वो काफ़ी उछलता है, तो इस स्टेज पे आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिए या फिर आप गैस को बंद भी कर सकते हैं। दूध हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। पहले आधा दूध हम ऐड करेंगे। तो सारा दूध हलवे ने सोख कर लिया है। अब बचा हुआ जो दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। राजगिरा आटा बहुत ही जल्दी इसे सोख कर लेगा। अब गैस का फ्लेम हम करेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध के इस्तेमाल से हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर हम चाहें तो इसे पानी में भी बना सकते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारा दूध हलवे ने बहुत अच्छी तरह से सोख कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो लगभग जितना आटा मैंने लिया था 1/2 बाउल्स, बस उतनी ही चीनी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। सारी चीनी अच्छी तरह से हलवे में मिक्स हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा घी भी रिलीज हो चुका है। बट यही पॉइंट है कि हलवा अभी हमारा पूरा बना नहीं है। यहाँ पे हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भुनना है, तभी आपको हलवे का रियल टेस्ट आएगा। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे और भून लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट भुनने के बाद में घी कितनी अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है, आपको कढ़ाई के किनार में दिख रहा होगा। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे भुने हुए काजू, बादाम और किशमिश।
जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे उनको हम स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्रत स्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्थी हलवा गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है आपको ये हलवा बहुत पसंद आएगा। और आपका अनुभव कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।